पैनासोनिक डिस्प्ले प्रॉब्लम। सो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। एक पैनासोनिक का टीवी है 32 इंचेस, उसके अंदर डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रहा है। सो देखेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट यू कैन सी प्रॉब्लम, बीच बीच में जाके क्या हो रहा है, पिक्चर रुक जा रहा है। सो ये पिक्चर चलते चलते क्या हो रहा है, बीच बीच में अटक जा रहा है। सो ये प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर देखेंगे कौन सा पैनल लगा हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये इसका मॉडल नंबर है, पैनासोनिक 32 इंचेस। सो इसके अंदर एक कॉम्बो बोर्ड लगा हुआ है और इनबिल्ट टिकॉन है। ये इसका पावर सप्लाई एरिया और यहाँ पे ये मेन बोर्ड एरिया। इसका जो प्रॉब्लम है वो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, पैनल प्रॉब्लम। सो ये यहाँ पर पैनल का जो इनबिल्ट टिकॉन बोर्ड है वो इस एरिया में दिया हुआ है। ये जो पैनल लगा हुआ है 32 इंचेस एलजी का पैनल लगा हुआ है इसके अंदर। सो डबल कॉफ वाला जो पैनल है 32 इंचेस वही लगा हुआ है। सो यहां पर फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो टिकॉन का वोल्टेज है उसको हम चेक करेंगे, कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या क्या हो रहा है। तो ये टिकॉन बोर्ड का एरिया है। सो यहां पर हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे फर्स्ट। इस कॉइल में 3.3 वोल्ट बन रहे हैं। इस कॉइल में 12 वोल्ट इनपुट हुआ है। फिर उसके बाद उसको रेक्टिफाई करके डायोड, उसका वोल्टेज को बूस्टअप किया गया। सो यहाँ पर डायोड के बाद हम देखेंगे इस वोल्टेज 15 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। सो ये AVDD 15 वोल्ट है, जो वोल्टेज हमको कॉफ आईसी को इनपुट होगा। सो ये वोल्टेज भी ओके है। नेक्स्ट ये 15 वोल्ट का हाफ वोल्टेज है। सो ये भी ओके है। और दो वोल्टेजेस जो रहते हैं, जो VGL और VGS होगा, जो एक माइनस वोल्ट होगा और एक हाई वोल्टेज होगा 27 वोल्ट। सो वो वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। सो इस रेजिस्टेंस का पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, ये -5 वोल्ट है, जो VGL नाम से जाना जाता है इसको। सो ये वोल्टेज भी यहाँ पर ओके है। यहाँ पर 15 वोल्ट को इनपुट किया गया, जो 27 वोल्ट को बूस्टअप करने के लिए। सो इसका जो आउटपुट होगा वो 27 वोल्ट होगा।
सो 27 वोल्टेज ओके, दैट मीन्स टिकॉन का जो ऑल वोल्टेजेस बनना चाहिए वो सारी वोल्टेजेस ओके हैं। दैट मीन्स ऐसे टाइप का प्रॉब्लम अगर आता है तो ये गेट ड्राइवर का इशू होता है। सो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका एक मॉडिफिकेशन है, उस मॉडिफिकेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। सो उस मॉडिफिकेशन को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ ट्रैक को काट ऑफ करेंगे। सो ब्लॉक करना पड़ेगा कुछ ट्रैक को। सो यू कैन सी यहाँ पर सम टेस्टिंग पॉइंट है, सो नीड टू ब्लॉक सम टेस्टिंग पॉइंट। 6 और 7 नंबर पॉइंट को यहाँ पर ब्लॉक करना है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सर्जिकल ब्लेड से काट देंगे। जस्ट कट टू ट्रैक 6 नंबर और 7 नंबर। सो यू कैन सी ट्रैक कट हो गया। सो अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन ये होगा, इसके अंदर एक ट्रैक जो 7 नंबर पॉइंट है उसके अंदर हम हाई वोल्टेज को बाईपास करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे पिक्चर में कोई चेंजेस आया या नहीं आया। अगर पिक्चर में कोई चेंजेस नहीं आता है तो हम और भी मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। सो हमें यहाँ पर 27 वोल्ट मिला था जो इस कैपेसिटर में। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस हाई वोल्टेज को ट्रांसफ़र करेंगे टेस्टिंग पॉइंट नंबर 7। और यहाँ पर आपको केयरफुली उसको जो पॉइंट है मार्किंग पॉइंट उसी पॉइंट पर इसको अप्लाई करना है, वोल्टेज को ट्रांसफ़र करके चेक कर लेना है। अगर कोई और ट्रैक में ये वोल्टेज चला जाएगा तो आपका पैनल ख़राब हो सकता है, या तो जो यहाँ पर लेवल शिफ्टर लगा हुआ है वो ख़राब होने का चांसेस रहेगा। सो बी केयरफुल। सो एक ही पॉइंट पर वोल्टेज को ट्रांसफर करना है जो पिन नंबर 7 है। फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है कि प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हुआ है, किसी से कनेक्टेड, कोई और ट्रैक से कनेक्टेड तो नहीं हो गया, या तो ग्राउंड से कनेक्ट नहीं हो गया। अगर कोई ग्राउंड से ये ट्रैक टच हो जाएगा तो आपका लेवल शिफ्टर बूस्ट अप करना बंद कर देगा। सो परफेक्टली ये जम्पर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पिक्चर को चेक करना है। सो यू कैन सी अब पिक्चर में चेंजेस आया है कि नहीं वो चेक करना है। यहाँ पर जो पिक्चर है वो पहले भी चालू था, अभी भी चालू हो गया। सो आपको ये चेक करना है जो प्रॉब्लम कर रहा था वो प्रॉब्लम रिमूव हुआ या नहीं हुआ, अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको और भी कुछ अलग अलग मेथड अप्लाई करके देखना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा केसेस है वो जो प्रॉब्लम था पिक्चर का जो बीच बीच में रुक जा रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अभी।
सो आई होप आपको समझ में आ गया इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यू कैन ट्राई दिस मेथड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।